विगत दिनों जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानों में चोरी की घटनाएं की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर विभिन्न थानों की पुलिस को और अपनी हमने जो SOG और SWAT टीम है इन्हें क्रियाशील किया। तो आज 3 थानों में अच्छी उपलब्धि हमारे SOG और उन संबंधित थानों को मिली है। सबसे पहले थाना जंगीपुर में एक गिरोह पकड़ा गया है, जिनसे उनके द्वारा जो चोरी की घटनाएं हैं उसमें इन्वर्टर और बैटरी, इसके अलावा उनके द्वारा एक गोदाम में भी सेंधमारी करके धान चुराया गया था, उसकी भी बरामदगी की गई है। इसके साथ साथ शहर कोतवाली क्षेत्र में एक बहुत अच्छे गैंग को वर्कआउट किया है। इस गैंग के द्वारा थाना कोतवाली और दुल्लापुर क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें ज्वेलर की दुकान से लेके और जो लोगों के घर हैं इन्हें इन लोगों ने अपना शिकार बनाया था। इसमें हमारी 6 घटनाएं खुली हैं, जिसमें 2 दुल्लापुर की हैं घटनाएं और 4 सदर कोतवाली की हैं। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी थे। इनमें एक तो इनामी अपराधी है, पूर्व में भी गैंगस्टर का भी वांछित चल रहा था जो बिंद है, और इनके कब्जे से भारी मात्रा में लगभग लाखों रुपए का जो सामान इनके द्वारा चुराया गया था, नकदी चुराई गई थी, वो पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसके साथ साथ एक सुनार भी पकड़ा गया है जो इन लोगों से चोरी का माल खरीदता था औने पौने दामों में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इनका सर कोई आपराधिक इतिहास? लेट मी कंप्लीट इट, कंप्लीट करने देगा ना। इसके अलावा एक और घटना पुलिस को सफलता मिली है, एक खानपुर पुलिस ने एक उसको चोर को गिरफ्तार किया था, मोटरसाइकिल चोर को, बिना चेकिंग के दौरान पकड़ी गई थी वो, उसमें बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी। जब उसे चेक किया गया था तो वो वर्ष 2021 में वाराणसी से चोरी की गई थी। इसके अलावा एक और घटना, बड़ी गंभीर घटना यहाँ पे हुई थी, 14 तारीख की रात में एक नाबालिग बच्ची के साथ एक उसमें उसका परिचित था, इसके अलावा 3 और लड़कों ने दुराचार की एक घटना की थी, जिसमें उन चारों दरिंदों को भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। और जहाँ तक आपने पूछा चोरी में जिन लोगों को जेल भेजा जा रहा है उनका भारी भरकम आपराधिक इतिहास है, इससे पहले भी दसियों मुकदमों में जेल गए हैं और इनामी भी हैं। थैंक यू सर। सर जो जंगीपुर में पकड़े गए हैं उनका भी कोई आपराधिक इतिहास है वो दिया जा रहा है, प्रेस नोट में दिया जा रहा है। ठीक, थैंक यू सर।